तो मैम फर्स्ट क्वेश्चन जो मेरा है आपसे वो है कि बहुत सारे लोग ना बहुत ज्यादा टर्म्स आ गए भूत पिशाच प्रेत सबको मोटा मोटी हम भूत की कैटेगरी में ही डाल देते हैं कि भूत है क्या है तो आप मुझे थोड़ा बता सकते हो कितने टाइप की एनर्जी होती है क्योंकि हमने जैसे छलावा जिन ये सब नाम भी सुने हुए तो इन्हें जरा आप स्पेसिफाई कर सकते हैं डिफरेंट एनर्जीज होती जैसे सबसे पहले हम बात करें घोस्ट घोस्ट क्या होते हैं कि वो लोग वो एनर्जी होती है जो अन टाइमली एक्सीडेंट में या किसी वजह से हमें छोड़ के चले गए और वो ज़्यादातर अपने फैमिली मेम्बर्स या जहाँ पे उनका घर होता है वहाँ पे रहना उनको पसंद होता है क्योंकि uh, वो हमें डराना नहीं चाहते वो सिर्फ़ अपनी एक फैमिली में प्रेजेंस चाहते हैं क्योंकि अन टाइमली वो हमारे से दूर हो गए तो वो घोस्ट होते हैं मैम सॉरी मैं काट रहा हूँ आपको लेकिन इससे पहले हम आगे बढ़ें लोग कहते हैं कि अनटाइमली डेथ कुछ होती नहीं है अगर वो मर गए तो वही उनका टाइम तो जो लिखा हुआ था बेसिकली मान जैसे कहते हैं कि एक्सीडेंट में मर गया सडनली मर गया एकदम से चला गया तो वो लिखी तो वो लिखा ही था तो वो अनटाइमली काउंट नहीं होता तो व्हाट इज योर टेक ऑन दैट देखो दो ये अलग अलग कॉन्सेप्ट है अगर वो अन टाइमली नहीं थी तो फिर हम री इनकारनेशन की बात क्यों करते हैं हम ये क्यों कहते हैं कि वो आया था वो एक महीना बच्चा सिर्फ रहा और जितने उसके वो श्वास यानी सांस बचे थे वो पूरे करके वो चला गया फिर हम ये क्यों कहते हैं इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ ऐसी दुर्घटना हुई जिसकी वजह से जब उसको जाना नहीं था वो एक इंस्टेंस उसकी लाइफ में हो गया जैसे अब कोविड भी आया बहुत सारे लोगों को नहीं जाना था बट इसका एक कारण और भी बहुत बड़ा है जब हम इस यूनिवर्स में अब रहते हैं तो लोअर फ्रीक्वेंसी एनर्जी हमारी अगर हम एनर्जी की बात करें तो बहुत जो लो फ्रीक्वेंसी एनर्जी है बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है इसका मतलब क्या हुआ तभी हम इसको कलयुग बोलते हैं हम सत्युग नहीं बोलते क्योंकि जो नेगेटिव एनर्जी जो नेगेटिव ऊर्जा है वो बहुत ज़्यादा है और पॉजिटिव ऊर्जा कम है जिसकी वजह से जो ये ब्लैक मैजिक ये सब चीज़ें स्पिरिट्स भूत पिशाच ये बहुत जल्दी जल्दी लोगों को पकड़ने लगे हैं क्योंकि हमारी अपनी एनर्जी कम है तो उसी वजह से नेगेटिव इंस्टेंसेस जैसे अभी ये जो पीछे की भी हुआ लाइन स्लाइन जित लैंड स्लाइड जितनी ज़्यादा बढ़ गई हैं अर्थक्वेक्स में लोग जा रहे हैं कभी आपने पहले इतना ज़्यादा सुना था जो अब हो रहा है यूनिवर्स के अंदर नेचर के अंदर वो सब क्यों हो रहा है इम्बैलेंस ऑफ दी एनर्जी इज हैपनिंग तो इसीलिए अनटाइमली डेथ ज़रूर होती है बिल्कुल होती है जब डेस्टाइन नहीं है तभी भी होती है तभी वो दोबारा से री होता है और कई लोगों को याद भी रहता है कई लोगों को बॉर्न होने के बाद भी याद रहता है मेरे एक रिलेटिव्स में ही थे वो लड़की बॉर्न हुई और जैसे ही वो बोलने लगी तो उसने जहाँ पे जिस घर में वो बॉर्न हुई उसने कहा मैं यहाँ नहीं रहती मैं तो शिमला में रहती हूँ मुझे शिमला लेकिन चार साल की लड़की ने ही बोलना शुरू किया कि मुझे शिमला लेके चलो मेरे पेरेंट्स वहाँ रहते हैं ये मैं अपने एक घर का ही इंस्टेंस बता रही हूँ मेरी मदर जो है उनकी साइड का इंस्टेंस है ये और जब उसको शिमला लेके गए उसने एग्जैक्ट लोकेशन बताई कि मेरे पापा मम्मी मुझे लेके जा रहे थे मैं पहाड़ी से गिर गई और ये एग्जैक्ट इंस्टेंस शिमला की एक फ़ैमिली का इंस्टेंस है और उसके पेरेंट्स ने उसको पहचाना जो जो उसने बातें बताई जबकि वो बॉन्ड हमारी तो, तो फिर कैसे हुआ अगर नहीं थी क्योंकि वो अपनी वो अपनी वापस पूरा करने आई थी फिर ऐसा अरेंजमेंट किया गया के के अंदर कि वो दोनों के साथ रह सके जहाँ बॉर्न हुई है और जहाँ पे उसके जो पास लाइफ के पेरेंट्स यानी कि जो एक्सीडेंट से पहले पहाड़ से गिरने से पहले के पेरेंट्स थे वो दोनों थे मैंने इस बारे में पढ़ा इनफैक्ट और ये मैम ये तो एग्जाम्पल राइट क्यों हुआ मैम रीबर्थ तो सभी एनर्जीज का नहीं होता बॉडी हर हर जन्म जैसे जन्मों की बात तो हमारे वहाँ करी गई है कि अगले जन्म में ये बनेगा या नेक्स्ट जन्म तो है ही है तो रीबर्थ तो रहा ही है पर अनटाइमली और नेचुरल और अनैचुरल यहीं पे तो डिफरेंस आ गया ना नेचुरल रीबर्थ वो हुआ कि जब आपने इस आपकी जो सोल ने आपकी जो आत्मा ने यहाँ पे जर्नी चूज की थी इस धरती पे वो आपने जब कंप्लीट कर ली और आप चले गए यहाँ से चाहे आप सिक्सटी में गए चाहे आप सेवेंटी में गए आप चले गए जब तो आपने आपकी सोल हील हुई यूनिवर्स के अंदर और आपने फिर से जन्म लिया जब आपकी अन टाइमली डेथ हुई या तो आप वहाँ पे दो केसेस आए एक बने घोस्ट जो कि इस लेवल से अर्थ प्लेन से हटे ही नहीं वो यहीं पे ही अपने लव्ड वंस के आसपास रहे क्योंकि उनको जाना नहीं है जो स्पिरिट्स इमिडेटली रिलीज हो गई डेथ अन टाइमली एक्सीडेंट हुआ या कुछ हुआ अन टाइमली रिलीज हो गई वो फिर जब जन्म लेती हैं तो मोस्ट ऑफ़ द टाइम्स उनको वो चीज़ें याद आती हैं तो हम उन दोनों को कैटेगराइज करते हैं कि एक एनर्जी हील होकर आई और एक एनर्जी उस फॉर्म में गई जब उसको जाना नहीं था नहीं। तो वो घोस्ट बन जाती है बट घोस्ट मोस्टली हमें हार्म नहीं करते इज़ द फर्स्ट टाइप ऑफ एनर्जी विच इज़ अराउंड अस हम खुद ही डर जाते हैं क्योंकि अगर आपको यहाँ पे चलते हुए कोई परछाई दिखेगी तो एज अ ह्यूमन बींग आप डरोगे चाहे वो आपके लव्ड वन की क्यों ना हो जैसे किसी फैमिली की हाँ जी तो उनको मतलब वो गोस्ट थोड़ी ना वो टर्म होंगे तो एज अ हेल्प भी करते हैं ना आपकी इन चीजों में यही यही डिफरेंस है एनर्जीज के अंदर एक हुए घोस्ट जो यहाँ से निकलना नहीं चाहते जो यहाँ से जाना नहीं चाहते जो आपके घर में रिजाइड कर रहे हैं एक अनटाइमली डेथ होने के बाद भी कई लोग आपने जब पितृ तर्पण किया सारे रिचुअल्स किए सब कुछ किए तो वो धीरे 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 ट्रांसजेंड करते हुए अपनी रैलब में चले जाते हैं और वहाँ जाके वो एन बन जाते हैं वहाँ जाके वो हमारे पितृ बन जाते हैं पितृ ये भी हैं जो यहाँ पे हैं बट ये नाखुश पितृ जिसको बोलोगे या फिर जो पितृ अभी तृप्त नहीं है या जिनको अभी मोक्ष यहाँ से नहीं यहाँ से उनको मुक्ति नहीं मिली मोक्ष नहीं बोलूँगी मुक्ति बोलूँगी कि अर्थ की प्लेन से उनको मुक्ति नहीं मिली वो पित्र जो हमारे ऊपर चले गए जो अपने रैलम में चले गए जो हील हो गए वो हमें ब्लेसिंग्स भी देते हैं वो हमारे साथ वर्क भी करते हैं यहाँ तक कि जैसे हम हुडू मैं हुडू भी पढ़ाती हूँ वहाँ पर इन का पित्रों का अलग से एक मंदिर भी बनाया जाता है उस कल्चर में अफ्रीकन कल्चर में वहां एक उनका मंदिर बनता है जहाँ उनको पूजा जाता है टाइप ऑफ मैजिक एक तरीके से जैसे आप हम मंत्र चैंटिंग करते हैं अपने यहाँ पे हिंदुजम में हम हवन करते हैं है ना तो और उसके जरिए हम बोलते हैं कि जैसे मैं बीमार हूँ और मुझे अपनी बीमारी से बाहर आना है तो पंडित जी कहते हैं महामृत्युंजय का जाप करा लो या आप ये पूजा करा लो शांति करा लो अपने घर के अंदर तो ये क्या हुआ एक तरीके से एक रिचुअल हुआ ना जो आपने अपने घर के अंदर सेरेमनी हुई एक रिचुअल हुआ जो आपने एक आ, इंटेंशन से अपने घर के अंदर करा तो उसी तरीके से हुडू अफ्रीका में उनके रिचुअल्स हैं टू डू थिंग्स एंड इसको हम आगे अगर लेके जाएं तो हम वाया दिस We can our wishes, जैसे को पैसों की कमी आ रही है तो यहाँ पे आप क्या बोलोगे कुबेर जी को वर्शिप करो लक्ष्मी जी को वर्शिप करो वहाँ पे वो क्या बोलेंगे कैंडल चलाओ ये हर्ब्स यूज करो ये ऑयल यूज करो और ये रिचुअल करो तो इट इज़ अ वे ऑफ डूइंग मैजिक हुडू इज अ टेक्निक जिससे हम अपने रिचुअल्स को अफ्रीका में या वहाँ बाहर की कंट्रीज में फुलफिल करते हैं एंड इट इज पॉजिटिव और इट इज बोथ पॉजिटिव एंड एवरी थिंग इज़ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इन दिस वर्ल्ड बिकॉज जो पूरा यूनिवर्स ब्रह्मांड वाइब्रेट कर रहा है वो पॉजिटिव नेगेटिव पे पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन पर वाइब्रेट कर रहा है अगर पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होगा ये हमारे ऊपर है कि हम उसको कैसे यूज़ करते हैं राइट right? अब मंत्र जब हम मंत्र करते हैं तो कई लोग भैरव साधना करते हैं कई लोग काली साधना करते हैं तो हम अदस भगवान तो वही है है ना ये आपके ऊपर है कि आप उनको Uh, किस तरीके से वर्शिप करना चाहते हैं तो बगले मुखी का हम एक जाप करते हैं uh, जो सबसे कॉमन मंत्र है उसको हम जाप करते हैं कि ये मेरा जो दुश्मन है ये मुझे तंग ना करे ये वहाँ रुक जाए स्तंभन मंत्र वही मंत्र हम यूज़ कर सकते हैं कि मेरा जो वो इंटेंशन मैटर कर रही है कि जो मेरा दुश्मन है उसका माइंड वर्क करना बंद कर दे इंटेंशन डिफरेंट हो गई ना उसी बगला मुखी मंत्र की तो ये हमारे ऊपर होता है पॉजिटिव नेगेटिव हर एनर्जी है आप इंग्लिश बोलते हो आप हिंदी बोलते हो सॉरी उसी हिंदी से मैं राष्ट्रगान गाती हूँ और उसी हिंदी से आप गालियाँ भी देते हैं वही लैंग्वेज वही शब्दों का इस्तेमाल है राइट right? तो बहुत सिंपल है हर चीज का पॉजिटिव नेगेटिव है इट इज ऑन यू कि आप उसको कैसे यूज करना चाहते हो मैम एनर्जीज की बात करते हैं जो हम कर रहे थे हाँ वापस आते हैं उस पर अच्छा घोस्ट की हमने बात करी एक होता है घोस्ट जो की आपकी अनटाइमली डेथ हुई या आपके घर में रहते हैं नाउ स्पिरिट्स पे जब हम आते हैं घोस्ट भी काइंड ऑफ स्पिरिट है बट देर इज अ क्लियर कट डिस्टिंगशन बहुत एक क्लियर डिस्टिंक्शन है जब हम स्पिरिट्स की बात करते हैं तो एक अच्छी स्पिरिट होती है अच्छी आत्मा एक होती है प्रेत बैड एनर्जी जैसे गुड और बैड की हम बात कर रहे थे जो अच्छी स्पिरिट होती है वो आपके आसपास अभी भी हमारे आसपास स्पिरिट्स हैं वाइब्रेशंस हैं एनर्जीज हैं बट वो डिफरेंट फ्रीक्वेंसी पे हैं तो आप उसे महसूस नहीं कर सकते जो दूसरी बुरी आत्माएं होती हैं वो आपको पोजेस्ट भी कर सकती हैं आपके अंदर आ भी सकती हैं लोग ब्लैक मैजिक नेगेटिव एनर्जी यूज़ करके आपकी तरफ भेज भी सकते हैं उसको ताकि आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आए उन्हीं प्रेत को यूज़ करके लोग डिफरेंट रिचुअल्स करते हैं ताकि डिफरेंट एक्टिविटीज़ मारम क्रियाएँ भी किए जाती हैं ताकि किसी के साथ कोई लॉस हो कोई एक्सीडेंट हो तो अलग अलग कैटेगरीज़ हैं जिन जन्नात की अगर हम बात करें तो वो भी एक कैटेगरी है जिसके अंदर जिसे बोलते हैं कि वो मुस्लिम कलाम के ज़रिए जागृत किए जाते हैं और कहा जाता है कि वो सबसे पावरफुल होते हैं उनका तोड़ <coughs> थोड़ा मुश्किल होता है बहुत आसान नहीं होता इसके अलावा पिशाच भी होते हैं पिशाच वो होते हैं जो पाताल यानी कि बिल्कुल तीन हमारे लोग हैं जैसे तो पाताल लोग की जो एनर्जीज है बिल्कुल आ, आपके ऊपर अगर आ जाए तो उनको निकालना नॉर्मल हीलर या नॉर्मल एक क्रिया के जरिए पॉसिबल नहीं होता तो ये सब एक एनर्जी और स्पिरिट कैटेगरी में आते हैं बट इनकी बहुत क्लियर क्लियर क्लर डिस्टिक्शन है दोस्तों पॉडकास्ट को आगे बढ़ाने से पहले बात कर लेते हैं हमारे टाइटल पार्टनर्स रियल इलेवन के बारे में रियल इलेवन पे आप कर सकते हो ट्रेड रियल इलेवन ट्रेडिंग के साथ दोस्तों ओपिनियन फ्री में क्यों देना जब हम अपने ओपिनियन देने के पैसे कमा सकते हैं तो कल का जो श्रीलंका वर्सेस पाकिस्तान का मैच है एशिया कप का आप उसका लुफ्त उठाए रियल इलेवन ट्रेड के साथ उस पर आपको करना ये है कि आसान से सवाल के जवाब देने हैं यस या नो में मैंने तो भाई दस हज़ार स्लॉट बुक कर लिए हैं येस पर और अगर मेरी प्रडिक्शन सही हो गई ना तो मुझे दस के बीस हज़ार रुपये तक मिल सकते हैं आप भी रियल इलेवन पर ट्रेड करो एकदम सिंपल प्रोसेस है सिर्फ यस या नो में आंसर कर कर आप बहुत सारे पैसे जीत सकते हो दोस्तों तो देख क्या रहे हो डाउनलोड करो लिंक डिस्क्रिप्शन में है रियल इलेवन ऐप डाउनलोड करो हमारा प्रोमो कोड रियल हिट यूज़ करो आपको मिलेगा एक सौ कैश आपके रियल इलेवन वॉलेट में तो जाओ और रियल इलेवन पर ट्रेड करके खूब सारे पैसे जीतो चलो अब बातों को आगे बढ़ाते हैं है। मैम जो जिन होते हैं जिन जिन नात होते हैं वो जैसे आपने बताया कि वो से वो वो मुस्लिम से ज़्यादा रखते हैं, क़लाम एक्टिवेट होते हैं और अगर वो किसी हिंदू पे आ जाएं, तो क्या हमारे हिंदू उन पे वर्क करते हैं क्योंकि वो तो रिलीजन ही अलग हो गया वो एनर्जी उन पे वर्क करती है हटाने के लिए देखो जैसे मैंने कहा कि बहुत आसान नहीं होता जिन और पिशाच की एनर्जी को तोड़ना मैम बहुत अच्छा होगा अगर आपके पास कोई केस आए हो आप उससे ये चीज बता पाओ अगर आपके पास आया है तो कोई जिन का केस मैम जिन के लिए भी कहते हैं कि सेक्सुअली भी एक्टिव होता है वो किसी की बॉडी हाँ, में आ एक एनर्जी होती है जैसे मैं एक कोर्स भी कराती हूँ किंग सोलेमोन का तो उसमें हम स्पिरिट्स को एक्टिवेट करते हैं मैं जो किंग सोलेमोन था उसने दो तरीके की स्पिरिट्स बनाई है एक स्पिरिट्स जो अच्छा करेंगी और जिनको हम लेसर कीज बोलते हैं वो जिन जिन नाद होते हैं तो वो जब अगर एक्टिवेट हो जाए तो वो वो आपको जो चाहिए वो आपको दे देंगे आप बोलोगे मुझे ये चाहिए मुझे ये मेरी विश पूरी हो जाए वो आपकी विश पूरी होगी बट उसके बदले वो आपको प्रोजेस कर लेते हैं उसके बदले वो आपकी कोई ऐसी चीज़ ले सकते हैं वो आपका फैमिली मेम्बर भी डिमांड कर सकते हैं या फिर वो आपको भी प्रोजेस कर सकते हैं आपकी बॉडी में भी आ सकते हैं एंड आई हैव अ केस एक्चुअली ऑफ दिस कि एक हम विच क्राफ्ट कर रहे थे तो उसमें एक स्टूडेंट थी उसने आ, मेरा केस नहीं है बट ये केस मेरे सामने का है तो उसमें एक स्टूडेंट थी और वो ये जिन और जो लोअर एनर्जीज लेसर कीज ऑफ सोलेमॉन बोलते हैं इनको इनके साथ वो वर्क करने लगी और काम में एक्सेल करने लगी और सब कुछ अच्छा होने लगा इन रिटर्न उस जिन ने उसको प्रोजेस कर लिया और प्रोजेस करने के बाद वो वो जिन उसको सेक्शुअली एजॉल्ट करने लगा एंड इतना टू द एक्सटेंट और ये जाते नहीं हैं फिर क्योंकि आपकी विश तो पूरी हो गई इन रिटर्न उनको चाहिए जो भी उनको चाहिए उस लड़की की इतनी हालत हो गई थी एंड में एक्चुअली शी कमिटेड सुसाइड क्योंकि वो अगर पार्टी में है या कहीं पे भी है और अगर जिन की डिमांड है सो शी हैज़ टू गो इन अ रूम एंड फुलफिल द डिमांड ऑफ दैट जिन तो इतना ज़्यादा हो गया था दैट शी कमिटेड सुसाइड वन डे मतलब वो एक डेढ़ साल ये एपिसोड चला बहुत पुरानी बात है तकरीबन आठ नौ साल पुरानी बात है और मेरी आंखों देखा ये केस है जिन और पिशाच दो ऐसी एनर्जीज हैं कि अगर वो आपको प्रोजेस्ट कर लें तो उनसे निजात पाना बहुत आसान नहीं है बट पॉसिबल है पॉसिबल है बट बहुत आसान नहीं है इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट और उस तरीके की ताकत से उनके साथ डील करना और उतनी पावर मतलब अगर यहाँ पे वही बात आएगी कि जहर जहर को काटता है तो नेगेटिव नेगेटिव को ही यहाँ पे काट पाएगा ओके okay. और मैं हम, जैसे हम बात कर रहे थे पोजेशन की जैसे बात शुरू हुई तो ऐसा कहा जाता है कि जिनका और स्ट्रॉन्ग नहीं होता वही लोग पोजेस होते हैं या फिर जैसे मान के चलो हम चार लोग यहाँ बैठे हैं सबने एक ही चीज लांगी जिसपे तो जो सबसे वीकेस्ट होगा ये उसी को ग्रैप करती है ऐसा सच में है या कोई भी कभी भी किसी भी वक्त हो सकता है दो कॉन्सेप्ट्स को आप एक साथ आ, बता रहे हो जिसको मैं फिर से करती इज जब एक स्पिरिट इविल स्पिरिट या फिर लोअर फ्रीक्वेंसी स्पिरिट मैं बोलूँगी जब आपकी बॉडी को अपना एक वेसल मतलब जैसे एक गिलास पड़ा है आपने इसके अंदर पानी डाला तो ये वेसल बन गया इस पानी के लिए है ना क्योंकि इस पानी को फॉर्म चाहिए थी अब स्पिरिट के पास तो कोई फॉर्म है नहीं उसको अपने डिमांड्स फुलफिल करनी है तो उसको जब एक वेसल आपकी बॉडी मिल गई दैट इज़ अ पोजेशन और पोजेशन ज़्यादातर दो तरीके से होता है एक अगर आपका कोई पर्सनल कंसर्न जब हम पर्सनल कंसर्न की बात करते हैं तो आपका ब्लड आपका सलाइवा आपका स्वेट बाल थूक यूरिन कुछ ऐसा जो उस जगह पे उस टच में आ गया जहाँ पे वो स्पिरिट थी जिसका एक केस बताती हूँ यहीं गुड़गांव का ही केस है वो आ, हमने दो साल पहले उसको सॉल्व किया था एक बच्चा था बच्चा आ, यंग समवन लाइक योर एज सो ही वेंट टू उज्जैन एंड वहाँ पे वो मंदिरों के दर्शन करने गया बहुत अच्छी फैमिली से वेजिटेरियन फैमिली स्पेसिफिकली बोल रही हूँ बिकॉज आई टेल यू कि क्या हुआ और ड्रिंक नहीं स्मोक नहीं बहुत अच्छा बच्चा बहुत अच्छा लड़का जॉब लगी लगी थी और वो उज्जैन गया फ्रेंड्स के साथ घूमने घूमते घूमते उसका पाँव ऐसे टकरा गया जैसे और वो गिरा जब वो गिरा तो चोट लगने से उसका ब्लड उस पेड़ के नीचे उस जहाँ फड़ी पे जहाँ पे वो गिरा वहाँ लग गया और जैसे ही वो घर आया तीन चार दिन बाद घूम के बॉयज़ घर आ गए तो वो भी घर आ गया तो वो घर आके Uh, कहता है कि मैं खाना नहीं खाऊंगा, मुझे नॉनवेज खाना है जो कि प्योर वेजिटेरियन फैमिली से था और उसने नॉनवेज मंगाया एक दिन में वो नॉन स्टॉप स्मोक करने लगा जिनके घर में सिगरेट और अल्कोहल आती नहीं थी उनके घर में नॉन स्टॉप सिगरेट स्मोक और यहाँ तक वो हो गया कि वो अपने पेरेंट्स पे भी हाथ उठाने लगा सो दैट इज़ पोजेशन कि उसका जो खून था वो उस जगह पे गिरा जहाँ पे एक अघोरी की स्पिरिट ऑलरेडी थी बाद में ये पता चला कि जब हमने उसके ऊपर एग्जॉलिज्म स्टार्ट किया कम्युनिकेशन के दौरान ये पता चला कि वो जो अघोरी था वहीं पे ही उसकी स्पिरिट थी डाइट डेर और उसका जो ब्लड था गिरने से वहाँ आया उसके टच में तो वो बच्चा वो लड़का तकरीबन हमें नाइन मंथ्स टू वन ईयर लगा उस स्पिरिट की एनर्जी से बाहर आने में बट ना उसने जॉब भी छोड़ दी मतलब यहाँ तक कि कि माँ बाप पे एक बच्चा जो ड्रिंक ना करता हो शराब ना पीता हो चिकन ना खाता हो और वो इस हद तक आ जाए कि उसको ये भी एहसास नहीं था कि वो अपने बेड पे ही सब चीज़ें कर रहे है, एक एक हफ्ता नहा नहीं रहा सब यू नो ही लॉस्ट इज़ माइंड बेसिकली तो दैट इज़ पोजैशन जो आप बात कर रहे हो कि एनर्जी uh, जिसकी वीक है दैट इज़ बेसिकली और जो आप बोल रहे हो जो हम सबके पास होता है, है ना हम सबकी एनर्जी में और होता है तो वो ज़्यादातर आई इट इज़ लाइक योर इम्यूनिटी आपकी इम्यूनिटी कम है तो आपको खांसी ज़ुकाम होगा आपकी इम्यूनिटी ज़्यादा है तो खांसी ज़ुकाम नहीं पाप को कैच करेगा ना चार लोग निकल रहे हैं एक जगह से जिसकी इम्यूनिटी कम है बट और तब ज़्यादा काम करता है जब ईविलाई बुरी नज़र की बात होती है बुरी नज़र क्या होती है मैंने कहा वो आज तो बहुत स्मार्ट लग रहे हो है ना और मैं आपको देख रही हूँ फॉर अबाउट 17 सेकेंड द एनर्जी विल स्टार्ट फ्लोइंग बुरी नज़र इसको बोलते हैं बुरी नज़र एन वी जेलसी इंटेंशनल अन वो आप तक पहुँची तो आपको नज़र लग गई टोक लग गई हम बोलते हैं ना मैंने उसको बताया और मेरा काम बिगड़ गया वो दैट इज योर और वीक की एनर्जी पोजेशन लाइक जैसे मैंने कहा एक तरीके का वो जिसमें आपका कुछ गिर गया और पर्सनल कंसर्न थू खून या अपने बाल कई बार हम टिश्यू ऐसे डिस्पोज कर देते हैं सड़क पे फेंक देते चलते चलते जेंट्स यूजुअली यूरिनेट ऑन दी रोड साइड्स है ना तो ये बहुत कारण होते हैं पोजेशन के ऐसा ही एक और भी पोजेशन था जब मेरे घर का ही था मेरी दादी बताया करती हैं कि वन ऑफ हिज सन्स ही यूरिनेटेड अंडर अ पीपल ट्री और घर आते ही फिट्स पड़ने शुरू हो गए मुँह से झाग निकलनी शुरू हो गई तो दादी ने पूछा कि क्या हुआ तेरे को हुआ क्या ठीक तो गया था खेलने तो जब उन्होंने बताया कि मैं ऐसे वहाँ बाथरूम करके आया हूँ तो दादी ने फिर कुछ पढ़ के वहाँ पे डाला और जैसे वो घर आए वो बच्चा ठीक तो ये ये गड़बड़ होती है पर दूसरे काइंड का पोजेशन होता है जब कोई इंटेंशनली ब्लैक मैजिक काला जादू किसी पे करे वो भी पोजेशन की कैटेगरी में आ जाता है कि मैं चाहती हूँ कि यार ये जो सामने बैठा है इस ये अपने काम से हट जाए इसका ध्यान अपनी हेल्थ पे लगा रहे इसके उसको कोई पकड़ ले ताकि इसका रिलेशनशिप खराब हो जाए तो उस केस में मैं जानबूझ के एक स्पिरिट एक एंटिटी उसकी तरफ रूट करती हूँ कि भाई यू नो यू स्टे आउट ऑफ माई वे दैट इज़ ऑल्सो अनदर टाइप ऑफ पोजेशन मैम व्हाट आई वॉन्टेड कि जैसे आपने मेरी तरफ राउट करा किसी को एंड मेरा और बहुत स्ट्रॉन्ग है मैं बहुत पॉजिटिव रहता हूँ तो क्या वो श्योर शॉर्ट इम्पैक्ट करेगा ही करेगा या दोनों केसेस में अगर मान के चलो वो चोट मेरे को लगी हो और वहाँ ब्लड गिर जाए बट मैं बहुत ज्यादा पॉजिटिव इंसान हूं मतलब तो क्या वो तब भी नेगेटिव एनर्जी ओवर पावर कर, लेगी, या कर नहीं? लेगी स्पिरिट कर लेगी आपको ओवर पावर अगर आपका पर्सनल कंसर्न वहां गिर गया है स्पिरिट आपको ओवर पावर कर लेगी अच्छा। पोजेशन तो होगा ब्लैक मैजिक के केस में हो सकता है कि आपको असर करे या ना करे बट अगर वो पोजेशन है मतलब कि आपने कुछ थूका आपने अपना कुछ पर्सनल कंसर्न अपना डी एन गिराया आपने उतरा हुआ कपड़ा फेंका आपने सुना होगा बहुत सारे लोगों के घर में कहते हैं कि मेरे पे ब्लैक मैजिक हुए थोड़े दिन पहले मेरे कपड़े खोए थे सुना है ना ये कि मेरे कपड़े खो गए थे हमारी मम्मी क्या कहती हैं कपड़े अंदर सुखाया करो बाहर मत सुखाया करो कि तुम्हारे कपड़े कोई ना ले जाए ब्लैक मैजिक कैसे होगा आपके पर्सनल वहाँ पे आपका बचना थोड़ा सा मुश्किल होता है अगर आपके पर्सनल कंसर्न बीच में आ गई तो अगर आपके पर्सनल कंसर्न नहीं आए किसी ने मुझ पर ब्लैक मैजिक किया कि ही राउट किया एनर्जी की कि यार इसका काम बंद हो जाए ये अपने घर में ही बिजी रहे तो अगर मेरा और बहुत स्ट्रांग है मैं पाठ पूजा कर रही हूँ वो अगर मुझे इम्पैक्ट करेगा भी फिफ्टी परसेंट मुझे हंड्रेड नहीं किया फिफ्टी किया वो धीरे धीरे अपने आप बाउंस बैक होने लगेगा चलो अब ऑडियंस को एक और रीजन मिल गया ओपन में यूरिनेट ना करने का थूकने का <laughs> हाँ सच में लड़के तो बहुत ही ज्यादा करते कर हैं है तो फिर तो अब कोई नहीं करेगा मैम <laughs> अगर कर भी रहा होगा अब तक कोई